क्या चाहिए तुझे? तू चाहिए मुझे। यू ब्लडी, क्या समझ रखा है? पुलिस को फोन लगाऊं? लगा ना, बेधड़क लगा। इस बॉम्ब शिवा का नाम सुनकर वो आएगी ही नहीं। क्या तुम बॉम्ब शिवा हो? हे भगवान, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज, छोड़ो मुझे, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? हेल्प मी, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। छोड़ इसे, तू मेरे बारे में नहीं जानता। इस बॉम्ब शिवा से आम लोग तो क्या, पुलिस वाले भी डरते हैं, और तेरे जैसा चूहा मुझसे पंगा लेगा क्या? ए, ज्यादा मुंह मत फाड़, मेरे होते हुए कोई औरत अपनी इज्जत आबरू नहीं खोएगी। अच्छा, देख लूंगा तुझे मैं। दोबारा नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। हमेशा हिम्मत से ही काम लेना चाहिए, ऐसे लोग डरने वालों को ही डराते हैं। स्ट्रॉन्ग बनिए। सच में आप हीरो हैं शिव, थैंक यू। ये बचा मुझे, बचा मुझे, बचा मुझे। कौन है तू? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त राजा। अबे तेरी जात का, तूने हेलमेट क्यों पहन रखा है? अरे रूम में बहुत गर्मी हो रही थी रे, इसलिए यहाँ आकर सो गया, पर ये बिल्कुल कमीना निकला, नींद में ही शुरू हो गया मेरे साथ। ऐसा क्या किया इसने? अरे क्या नहीं किया ये पूछ। इमरान हाशमी की फिल्में देखी है ना? आशिक बनाया आपने है? दिल तो बच्चा है जी। डर्टी पिक्चर, ऐसी फिल्में बना रहा था ये कमीना मेरे साथ। तू है तुझ पे? अरे वो बात नहीं है। तो क्या है? सपना था यार। अच्छा, क्या सॉलिड लड़की थी। उसका नाम क्या है? क्या करूँ यार, उसका नाम पूछना ही भूल गया। नाम भूल गया क्या? अरे जब असल जिंदगी में ही लड़की से दूर भागता है तो फिर सपनों में क्या नाम पूछेगा तू? सपने में और क्या हुआ? और क्या हो सकता है? अरे सपने में प्यार से इसने अपनी नजर से देखा होगा, और उसने भी अपनी नजर से इसे देखा। इसे देखकर वो मुस्कुराई होगी, उसे देखकर ये मुस्कुराया होगा, फिर करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे। What is this? This is the villain. उस विलेन को पकड़ के इसने दनादन पीटा होगा, और ये देखकर वो लड़की इसके प्यार में पड़ गई होगी, और फिर करीब आई होगी, और करीब आई होगी, और करीब, और करीब, और करीब, और फिर प्यारा सा किस दिया होगा। अरे तुझे कैसे पता चला यार, ऐसा ही हुआ था। That's it. मैं हूँ मिस्टर राजा। हेलो, एक्सक्यूज मी। या टेल मी। तुम्हारे टी शर्ट में कॉलर नहीं है, कभी टी शर्ट नहीं होता है। आजकल की हर फिल्म में रोमांटिक सीन ऐसे ही खत्म होता है। हाँ, असल फिल्मों में भी ऐसे ही खत्म होता है। रोज रोज अलग अलग सपने देखकर हमें परेशान करने के बजाय ब्यूटीफुल सी लड़की फंसा ले। ये सब तुम जैसों का काम है, मैं तो प्यार करके शादी करूंगा। अरे शादी करने के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। अरे इस दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? हम लोग किसी को भी पटा सकते हैं। अरे तू मोटे कहीं के, किसी भी लड़की को पटाने के लिए तू कोई हीरो है क्या? अच्छा पूरा दुख दर्द उसकी भावना सब कुछ समझने के बाद ही दिल मिलता है, समझ गए? हमारे हेमंत को अपने राजा की तरह चबा कर थूकने वाला समझता है क्या? मेरा मतलब तू शरीफ है ना? फिर तो हम लोगों को लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। जो लड़की हाथ से जा चुकी है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो हाथ में है उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। पहले प्यार करने के लिए उसके बाप का सामना करना पड़ता था, पर अब उसके पुराने आशिक से भी निपटना पड़ता है, और इसीलिए मैंने प्यार नाम के शब्द को निकाल कर फेंक दिया अपनी जिंदगी से। लड़की के साथ रहना है तो सिर्फ मजे के लिए रहना है, और उसके साथ जम के। अरे एक लड़की से क्या होता है, लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते रहना चाहिए हमें। और गलती से शादी भी हो गई किसी से तो फिर पत्नी के साथ भी लगे रहो और बाहर भी चक्कर चला। ऐसी हरकत करेगा तो तुझे बीमारी हो जाएगी। कौन सी? एड्स। अबे चुप कर कमीने तू। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा शादी भी उसी से करूंगा। कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? कुएं में कूदने का फैसला करने के लिए। ओके ओके। हाँ अंकल, ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में नहीं तैर पाती? कौन सी है? कौन सी है?
सलवार चाहिए क्या? हार गए क्या? हार गए। तो निकालो 10 रुपए। पहले तो जवाब दे, तभी पैसे मिलेंगे। वेरी सिंपल अंकल, ऐसी कोई मछली ही नहीं है। निकालो 10 रुपए, निकालो। मेरे पास 10 ही रुपए थे, वो भी लल्लू बनाकर ले लिया तूने। अरे यार, इसका कुछ करना होगा वरना हमारी जिंदगी भी सवाल बन के रह जाएगी। यार, रात दिन भी नहीं देखता, जहाँ दिखता है वहीं सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो भी कम नहीं है, तू भाषण मास्टर और वो है सवाल मास्टर। घर के किराए से ज्यादा तो इसे पैसे देने पड़ते हैं। साला टेंशन के वक्त भी सवाल पे सवाल करके टेंशन बढ़ाता है, बहुत हो गया इसका। अरे ऐसी बात मत करो, उसके दादाजी ने क्या कहा था पता है? देखिए, हर महीने आप लोग समय पर भाड़ा देते हो, ठीक। घर पर आप लोग देर से नहीं आते, ये भी ठीक है। पानी बर्बाद नहीं करते, ये भी ठीक है। घर में किसी लड़की को आप लोग नहीं लाते, ये भी ठीक है। घर को आप लोग साफ सुथरा रखते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन समस्या का विषय ये नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। क्या बात है सर? इसे देखिए, ये मेरा पोता है, मतलब मेरे बेटे का बेटा। ये जब अपनी माँ के पेट में था, क्या बताऊँ, उसी वक्त मेरा बेटा और बहू दोनों ऊपर चले गए। तो फिर ये पैदा कैसे हो गया सर? अरे ये अपने से पैदा नहीं हुआ, इसे ऑपरेशन करके पेट से निकाला गया। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। क्या सर, ये बोल नहीं पाता क्या? हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबकी बोलती बंद हो जाती है, समझे? के रहना। ये सवाल पूछते रहता है, अगर आपने इसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपको इसे 10 रुपए देने। ओहो, बेटिंग मैन है? अरे बेटिंग मैन नहीं, अभी बॉय हूँ। आप लोग बहुत चाड़े हो ना, तो एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना, हारने पर 10 रुपए देना होगा। और उसके बाद आप इससे कोई सवाल नहीं करेंगे। ब्यूटीफुल बेटिंग, चलेगा। तो बेटा चलो इनसे कोई सवाल पूछो। मुझे बताइए, फ्लावर्स और लवर्स में क्या फर्क होता है? फ्लावर मतलब फूल होता है, पर लवर फूल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। हेमंता, उसे 10 रुपए दे देते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। अब तुम बताओ। फ्लावर शाम को मुरझा जाते हैं और लवर शाम को भाग जाते हैं। देखा, मेरा पोता कितना ब्रिलियंट है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल आप पर ही गया है, जैसा दादा वैसा पोता। मेरी बात सुनिए, कारण चाहे जो भी हो, आप इसका दिल कभी नहीं दुखाएंगे और इसके हर सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। और अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो बेटिंग का 10 रुपए आपको देना होगा। नहीं दिया तो वरना मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। सर, मिनिमम ये दिन में कितने सवाल पूछेगा हमसे? तो क्या नहीं बता सकता, हार्ड होगा तो सवाल पूछता ही रहूंगा। ये बात है, यही बात है, आप पता चल गया ना। इसीलिए कुछ भी करके हमें इससे बचना होगा, अभी हमारे पैसे बच पाएंगे। ए मुन्ने, जरा धक्का लगा। ए तुम लोग फॉलो करो। अंकल, सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? उन्हें काम के लिए देरी हो रही है ना, और मुझे भी ऑफिस पहुंचना है। अंकल, एक सवाल पूछना है। इतने सवाल तेरे दिमाग आते कहाँ से बेटा? टीन एज और ओल्ड एज वालों का क्या कंप्लेंट होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हार गए क्या? हाँ। 10 रुपए? आज भी 10 रुपए गए। मैं जवाब बताऊँ? हाँ। क्या टीन एज में फिगर और ओल्ड एज में शुगर कंप्लेंट होता है? लेट हो गया तो ऑफिस में कंप्लेंट हो जाएगी। यार लड़के हैं, इनको थोड़ा भी दिमाग नहीं चलता, पता नहीं काम कैसे करते हैं। अरे अरे यार, इस लड़की ने मुझे हाय नहीं बोला। अब इसे देखने के बाद भी मैं इसे बात ना करूं तो मेरे इमेज का कचरा हो जाएगा। ए क्या हुआ? उतरना। क्यों? पीछे खींचना। खींच खींच खींच। हाय हाय हाय। वैसे कहाँ जा रही हो? यही आदर्श नगर। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे हम तो कहीं और जा रहे हैं। तुम्हें छोड़ दूँ क्या? अरे पीछे किसी को बिठा कर आप मुझे कैसे ले जा पाओगे? अरे इसे? हाँ। अरे मैं इस मोटू के जिगर का टुकड़ा हूँ, ये मेरे लिए सीट के अपनी जान तक दे सकता है। पता है कितना शरीफ है, पूरे शहर की लड़कियाँ इसके लिए अपनी बहन जैसी हैं। ओह थैंक यू भैया। मोटू भैया आओ आओ बैठो ना। बुरा मत मानिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम। अरे कोई बात नहीं बहन, आप जाइए ना, बैठिए बैठिए, पीछे बैठिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, जाइए। वैसे मैडम हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जरा कस कर पकड़िए। ओके। मेरे जिगर के टुकड़े, बुरा तो नहीं लग रहा? अगर बुरा लगा तो साथ लेके जाएगा। बाय भैया। इस कमीने को लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया।
करती हूँ, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी तुम मुझे अवॉइड करते रहते हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ पसंद की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। मुझे ना लव मैरिज पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उसी के साथ शादी करूँगा। मतलब घर के गड्ढे में गिरना फिक्स हो गया है? वैसे मेरे लिए तो घर के खड्डे में गिरना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उठाने वाले लोग होंगे ना। IPC 302/306। अरे चुप कर कामचोर, शर्मा जी की केस का क्या हुआ? वाटर पेन ये लीजिए सर, उन्हें देकर आओ। गेट आउट। कामचोर कहीं का, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, समझ क्या रखा है? शीला। क्या सर? सपनों में आकर सताती हो, रातों में नींद उड़ाती हो, धीरे धीरे स्लो मोशन में पास आती हो, फिर आंखों में आखिर डाल कर चुम्मा देती हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इस लव बर्ड के साथ अगर तुम उड़ने लगोगी तो मैं तुम्हें पूरा आकाश गिफ्ट कर दूंगा। अगर तुम मुझ पर एक तारे के जितना भी प्यार बरसाओगी तो मैं तुम पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड न्यौछावर कर दूंगा। अगर तुम मुझसे एक मिनट भी प्यार से बात करोगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। हे भगवान। सर मुझे आपका प्यार भी नहीं चाहिए और आपकी जिंदगी भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये बात है, उस प्रशांत के पीछे पड़ सकती हो और वो कामचोर तुमसे हमेशा दूर भागता है और तुम उसके करीब 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 जाते रहती हो और मैं करीब आना चाहता हूँ तो तुम मुझसे दूर भागती हो, ये कैसा इंसाफ है? सर ये मेरा पर्सनल मैटर है। और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें गाड़ी बंगला आईफोन सब दूंगा और रानी बना कर रखूंगा। सर मुझे ये सब पता है सर, पर मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है सर। अरे ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? उम्र। आ, 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 आ। सुनो थोड़ा सा इस तरफ स्माइल, स्माइल, थैंक यू। स्माइल स्माइल मोनिका। गुड, थैंक यू मोनिका, थैंक यू। बहुत अच्छा पोज देती हो तुम। ये लो, ये पूरे 50,000 रुपए। रखो रखो सर। बोलो ना। सिर्फ 50,000 ही क्या, थोड़ा सा और दे देते तो अच्छा और होता। जरूर दे देता, पर मैं बैंक गया ही नहीं मोनिका, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके सर, ओके, बाय 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 बाय। ये समझते हैं कि इस तरह अदाई दिखाने से मैं आंखें बंद करके पैसे दे दूंगा? हा? दे देना चाहिए था सर, दे देते तो आपका क्या जाता सर। हा? थू बेवकूफ कहीं के। ए शिवू एक बात समझ ले, बिजनेस में कभी सेंटीमेंटल नहीं होना चाहिए और सेंटीमेंटल में कभी बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। थोड़ा सा मॉडल्स को मैं एक्स्ट्रा पैसे देता रहा तो कल मेरी बीवी बच्चों क्या होगा, वो तो खुली सड़क पे आ जाएंगे ना। करेक्ट सर। और पता है ये सारे मॉडल्स मेरी बीवी के सामने कुछ भी नहीं है, इतनी सुंदर है मेरी बीवी। सच में सर? ना समझ, इसी तरह मुंह क्या फाड़ रहा है? अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गंदा सोचा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा शपट गंजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस ऑफिस में टाइम पर आने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं सर, एक मैं और एक आप, बाकी सारे लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं सर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैनेजर कहते हैं सर। आपको तो पता है शहर में कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक जाम नहीं होता सर, माइंड भी जाम हो जाता है, घर से जल्दी नहीं निकल सकते क्या? ये सब मैं नहीं कहता सर, मैनेजर कहते हैं सर। ये यादव भी ना। गुड मॉर्निंग। हे नैना, तेरा ड्रेस बड़ा ही प्यारा है, कहाँ से लिया, मॉल से या बाजार से? अरे यार अंधेरी मार्केट के फुटपाथ से लिया है। मैनेजर आने वाले हैं, अपना मार्केट बंद करो और काम शुरू करो। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग टाइम पास कर रहे हो या सीरियसली काम कर रहे हो? सीरियसली काम ही कर रहे हैं सर। हाँ भाई हाँ, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए हमारे ऑफिस का इम्प्रूवमेंट ग्राफ नीचे उतर रहा है और MD साहब मेरा सर खा रहे हैं, पता है तुम्हें? ये लो गरम गरम चाय। गर्मा गर्म चाय पीकर काम भी गर्मा गर्म कीजिए, काम ही भगवान होता है ये मत भूलिएगा। हेमंत इस सर? हफ्ते का सेल्स स्टेटमेंट लेकर अंदर आ जाओ। जी सर। ये देखो। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। ए नैना, कहाँ है तेरे सपनों का प्यारा सा राजकुमार, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया।
उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने के लिए अपने गांव गया है वो। माते, अम्मा, मदर, माँ को किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। प्लीज मुझे माफ कर देना माँ, मैंने तुम्हारा नाम लेकर एक छोटा सा झूठ बोला है। वैसे भी माँ ही सृष्टि है, माँ से ही दुनिया है, माँ ही भगवान है और ये भगवान की देन है। कमान डियर, कमान कमान कमान। अरे छोड़िए ना, शादी से पहले सुहागरात मनाओगे? अरे जानू, शादी से पहले हम रिसेप्शन रखते हैं ना, इसी तरह शादी से पहले हम सुहागरात मना रहे हैं। और वैसे भी जानू, ये सब आजकल बड़ी बात नहीं है, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। अरे कुछ भी हो, ये सब शादी के बाद ही करें। अरे दे 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 दे, बेड पर आकर ऐसी बातें नहीं करते हैं सुजाता। देखो मेरा प्यार पवित्र है, जिस तरह नदियों में पानी बहते रहता है, जिस तरह बार में दारू का स्टॉक भरा रहता है, उसी तरह मेरा प्यार भी है। तुम मर जाओगी लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। प्लीज टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सुहागरात मनाने। तो वाह, टिकट क्या यार, एक और नई गर्लफ्रेंड मिली क्या? तू अभी तक नहीं समझा क्या, ये जब भी पुरानी शर्ट उतार कर फेंकता है ना, समझो इसे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। क्यों भाई? ए राजा, अबे वहाँ नहीं, यहाँ को जा। ए राजा, ए राजा, बोला। ए राजा, बोला। ऐसे ही तू हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड चेंज करता रहा, चेंज करता रहूंगा तो मुझे चार जोड़ी शर्ट मिल जाएगी। ए राजा, तुमने लड़कियों को च्युइंगम समझ रखा है जो चबाकर थूक दोगे। एक बात ध्यान से सुन लो, जमीन के साथ कुश्ती करोगे तो मुंह की खाओगे, और लड़की के साथ कुश्ती करोगे तो दफन हो जाओगे। सुपर डायलॉग। अबे ये गधा ज्यादा फिल्में देखता है इसलिए डायलॉग बोल रहा है, और तू क्या हर बात पे सीटी बजाते रहता है, तेरी जात का थू। अरे ओ ज्ञानी बाबा, चार साल से तेरा ज्ञान सुन सुन के मेरे कान पक गए और मेरा दिमाग सड़ गया है। तुम लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, ये वेदांत नहीं सिद्धांत है। अबे देख तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, अपना मुंह बंद कर ले। अरे बाप रे, मर गया। मोटू क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ क्या? किससे, लॉरी से, बस से, कार से, जीप से, बाइक से या साइकिल से? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो दरअसल हुआ ये। ओह सॉरी। यू डोंट वरी माय डियर पानीपुरी। हाँ मैं समझ गया। स्ट्रेट फिर राइट फिर लेफ्ट और मिलेगा तुझे बस स्टॉप, वहाँ कहीं भी जाने की बस मिल जाएगी तुझे। ठीक है, आप बैठी ना। थैंक यू। बाय। आपके बैठते ही बदन में लहर सी दौड़ जाती है। बेटा लॉलीपॉप चूसते हुए घर आ जाना सीधा। बाय। अरे नहीं, राजा क्या सोचता है, सिर्फ अच्छा, वही तो लड़कियां पटा सकता है। मैं भी अभी लड़की फंसाऊंगा। सही कहा तूने। हाँ मुझे पता था वो ऐसा ही होने वाला। एक्सक्यूज मी। यस। ये आप क्या कर रहे हैं? फंदा डाल रहा हूँ। क्या मतलब? जाल बिछा रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? लाइन मार रहा हूँ, लुक दे रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, लड़की पटा रहा हूँ, आंखें सेक रहा हूँ। किस लड़की पर? दोनों पर। हाँ? आप मारो इस पागल को। रास्कल, आपने मुझे मारा क्यों? हे, पता है ये कौन है? आप कौन हो? इसका पति हूँ। तो इनका मंगलसूत्र कहाँ है? ए, शादीशुदा औरतों को मंगलसूत्र पहनना जरूरी है क्या? ऐसा है क्या? तो फिर मैं इन पर लाइन नहीं मार रहा था, आप सेफ हो भाभी, मैं तो इस पर लाइन मार रहा था। क्या मुझे लाइन मारेगा? भैया मारो इसे, मारो 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 मारो। अरे मार के ले ओ। लड़की पटाना मुश्किल नहीं है लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। ये पटाने से पहले बताना चाहिए था ना। नॉट दिस पॉइंट। लॉयर साहब चुप रहेंगे क्या? अबे वो मोटू, थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख बेटा ऐसा है ना कि प्यार में सिचुएशन के हिसाब से गेम खेलना चाहिए। ए मोटू ज्यादा मत पी यार, थोड़ा खा भी ले। मैं पीते वक्त खा नहीं पाता और खाते वक्त पी नहीं पाता, तुझे तो पता है ना। ए मोटू पता है मेरे भाई पता है, पर खाली पेट ज्यादा मत पीना। हेलो एक्सक्यूज मी, बोलना। अब देखो राजा ना उड़ जाएगा। अब देखना मैं जरा जाकर एक मस्त लंबा राउंड मार कर आता हूँ कहेगा। मैं जरा बाहर से एक मस्त राउंड लगा कर आता हूँ, ठीक है? जा बेटा जा, पर सही सलामत वापस आ जाना, ओके? लेकिन भाई मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तू बात मत कर,
चुपचाप बैठा रहा, मैं अकेले बात करूंगा। क्या कहना चाहता है मुझे पता है। सब लोग पीने के बाद मोड में आकर कार में और बाइक में जाते हैं और सीधा नर्क का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अपना ये चमड़ी राजा है ना, वो पैदल चलकर जाएगा और सीधा स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएगा। हेमंत, तुम पीने के बाद रोने लगता है मुझे पता है, उसके बाद सैड सॉन्ग गाता है ये भी पता है, तुझे जो गाना है गा ले भाई। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। बेटा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, फिर पी मत, थोड़ा खा भी ले। ए, तू चुप बैठना यार, ये गधा इधर ही ऑमलेट डाल देगा, इसे जल्दी से मोरी में लेके जाओ। चल चल मोटू, चलो ए बेटा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं अकेला बात करूँगा। ये गलत है यार, पीने के बाद तू किसी को बात करने नहीं देता है यार, और मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है यार। तो बता ना, रोका किसने है यार? वह देख जरा वहाँ। देखने में तो मस्त फुलझड़ी लग रही है। नो लड़कियों को कभी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। क्यों बे? लड़की मतलब क्या है, वो प्रकृति है, पता है, भूमि माता है, हमारा माता है। इतने दिनों कहाँ थे महात्मा? सॉरी फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी, प्रकृति माता का अपमान करने के लिए सॉरी। ज्यादा पीने के कारण याददाश्त चली गई, जब होश में आएगा तो सबकी इज्जत उतारेगा। ओए राजा, यशवंत, हेमंत, प्रशांत, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ रे? ए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला रहा है? ए, कौन है वो पागल जिसने इस लुंगी से लड़कियों की फोटोज रखी? मॉडर्न आर्ट की वैल्यू पता है तुम लोगों को? हेलो, एक्सक्यूज मी, इस लुंगी को वहाँ पर टांगने वाला पागल आदमी कोई और नहीं है, तू ही है। ए, तुम लोगों को बताना चाहिए था कि नशे की हालत में मैंने वहाँ अपनी लुंगी टांग दी, मुझे रोक देते। अरे कौन किसको रोकता है यार, दारू पी के सब टल्ली हो गए थे। ए, लड़की मतलब क्या है, प्रकृति, प्रकृति कपड़े पहनती है क्या? शेर, चीता, हाथी, चूहे कपड़े पहनते हैं क्या? पेड़ पौधे कपड़े पहनते हैं क्या? पहाड़, नदी, तालाब कपड़े पहनते हैं क्या? तो फिर तस्वीरों ने क्यों पहन रखी है कपड़े? अरे तूने क्यों पहन रखे हैं कपड़े? ए, मैं प्रकृति के बारे में कह रहा हूँ, पुरुषों के बारे में नहीं। ए, मोटू रो के रहा है। अरे बहुत भूख लगी है। कहते पीते समय खाने के लिए कहा तो खाया क्यों नहीं था? अरे काम कर, उपमा बनाना है, कड़ी पत्ता लेकर। ए मोटू, बाइक की चाबी दे। हेलो एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए बाइक चाहिए क्या? क्योंकि मैं हूँ राजा, बाइक के बगैर कहीं नहीं जाता। हाँ ठीक है, कल से बाथरूम भी बाइक लेकर जाना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस में कोई नजर सर, क्यों नहीं आ रहा? तो नजर आएंगे ना सर, कोई टाइम पंक्चुअल नहीं है, सीरियसली नहीं है। में इम्प्रूवमेंट नहीं है बोलकर एमडी साहब मेरा सर खाते हैं, ऐसा डायलॉग मार रहे थे ना सर। नहीं नहीं, कह रहे थे ना सर। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहे हो? नहीं तो क्या सर, प्रॉफिट में अच्छे से चल रही है सर, ऐसे में आप बेकार में टेंशन लेकर अपनी बीपी बढ़ा रहे हैं सर। अभी जो सिर्फ 16% प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो 25% होना चाहिए, ऐसा एमडी साहब ने कहा है, लेकिन ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। करना होगा सर, अगर पूरा स्टाफ सही समय पर आकर मेहनत और लगन से काम करेगा तो हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मेहनत और लगन से काम करने के लिए इस ऑफिस में क्या है सर, कोई अट्रैक्शन भी नहीं है सर। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन,
मैं भी यही सोच रहा था, एमडी साहब भी यही कह रहे थे और तुम भी यही बात कह रहे हो। एक बात कहूँ, तुमने बहुत पते की बात की है। अब तुम क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं तो क्या करूँ सर, आप बेकार में इतना टेंशन ले रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से लोगों को देर हो जाती है, इसलिए ऑफिस देर से आते हैं। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम कब सही होगा भाई? मेट्रो बनते ही ठीक हो जाएगा सर। पता नहीं ये मेट्रो कब शुरू होगा। देखिए सर, महान लोग आ गए, मैं चाय लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी देर से क्यों आए आप लोग? रास्ते में सत्याग्रह चल रहा था सर, इसी कारण ट्रैफिक जैम था, इसलिए हम रास्ते में कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हैं। अगर ट्रैफिक जैम नहीं होता तो हम टाइम पे ऑफिस आ जाते सर। अब वो सब के कारण ट्रैफिक जैम था, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हाँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गर्मा गर्म चाय। हे, चाय लेकर आ, कहाँ देख रहा है तू? सर, क्या हुआ? वहाँ देखिए सर। मैनेजर भंडारी। मैनेजर भंडारी, एमडी साहब ने भेजा है। ओ, एमडी साहब के रेफरेंस आई हैं आप? आई एम सेवंती, नाइस टू मीट यू सर। देखिए, इनका नाम सेवंती है, एमडी साहब ने भेजा है। आज से इस ऑफिस में ये असिस्टेंट मैनेजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ बिल्कुल। वेलकम सेवंती, वेलकम। ये लड़के ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कभी लड़की देखी ना हो। अरे, लड़कियाँ एक जैसी होती है, जानने के बाद इश्क का बुखार खुद ही चला जाएगा। सेवंती, मैं ऑफिस के स्टाफ से आपका परिचय करा देता हूँ। ये है हेमंत। हेमंत, व्हाट अ स्वीट नेम, आई लव दैट नेम। और तुम पर ये नाम जचता भी है। और तुम पर ये नाम जचता भी है। और तुम पर ये नाम जचता भी है। नीले गगन में चमकते चांद की तरह, टिमटिमाते तारों की तरह, चेहरे पर इतना तेज है कि रोशनी भी शर्मा जाए। कमल के फूल जैसा उसका बदन, शहद से भी मीठी उसकी आवाज, उसकी चाल तो बड़ी ही बेमिसाल है, और उसके बाल रेशम का जाल है। जैसे भवरे फूल के इर्द गिर्द मंडराते हैं, वैसे ही ऑफिस में सब उसके दीवाने हो गए हैं। क्या यार, शायरों की तरह इतनी बड़ी बड़ी शायरी कहने की क्या जरूरत थी? शॉर्ट में उस लड़की को आइटम बोल देता। वो हसीना ऐसी है क्या? अबे तेरी जात का, मैंने तुझे लड़की की तस्वीर बनाने के लिए कहा था, तू ऐश्वर्या राय की फोटो लाकर दिखा रहा है। मेरी एक प्रॉब्लम है यार, मैं जब भी किसी लड़की की तस्वीर बनाने जाता हूँ ना, तो उनका ब्लाउज नहीं बना पाता, इसलिए मैंने ऐश्वर्या राय का फोटो ही दिखा दिया। यार तू ऐश्वर्या राय का ही फोटो क्यों दिखाता है? उनके साथ खास कनेक्शन है। कनेक्शन है? अरे वो इसके सपने में आती है ना, इसीलिए हमें दिखा रहा था घोड़ा। अच्छा हेमंत, तू जिसकी इतनी तारीफ करा था उसका फोटो है ना? है ना, दिखा दिखा ना, देखिएगा। आहा, बहुत सॉलिड लड़की है यार। वैसे उसका नाम क्या है? सेवंती। वाह 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 वाह, क्या कॉम्बिनेशन है, तू टाइगर श्रॉफ और वो दिशा पटानी। तुझे पता है उसने कहा था उसे मेरा नाम बहुत पसंद है। क्या बात है, कल सोमवार है, बहुत ही अच्छा दिन है, छोड़ मत, गुड लक। हे गुड मॉर्निंग, आप सब इतनी जल्दी आ गए? नहीं नहीं नहीं, हम तो टाइम पे। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं हुआ, तुम जल्दी आ गए। सब के सब सेवंती के दीवाने हो गए हैं। हे भगवान, इन कमीनों से हमेशा उसे बचाए रखना और उससे मेरी सेटिंग करवा देना प्लीज। भगवान प्लीज, मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, प्लीज मेरी प्रार्थना कबूल करना। गुड मॉर्निंग सेवंती। गुड मॉर्निंग सेवंती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट। थैंक यू। मेरे घर का नौकर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। खूबसूरत ही नहीं समझदार भी है। खूबसूरत है, शरीफ है, समझदार है, सुशील है, मतलब लड़की सच में लाखों में एक है। प्यार कर ले यार। इतनी सुंदर लड़की को किसी से तो प्यार हुआ होगा यार। हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड, तुम हमेशा नेगेटिव बातें मत सोचा करो, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचा करो। और पता है राजा, सब के सब उसी को देखते रहते हैं ऑफिस में। अरे देखने के लिए उसे कितने लोग प्यार करना चाहते होंगे, लेकिन वो किसी से प्यार करती है क्या, ये देखना होगा। और ये उससे प्यार करेगा तभी तो पता चलेगा। आसान है, पहले एक काम कर। हाँ। तू अपने प्यार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश। हाँ। कर। हाय, हाय नैना, हाउ आर यू? सुपर। सब लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हैं, क्या हुआ इस ऑफिस में? सेवंती नाम की एक नई असिस्टेंट मैनेजर आई हुई है, यही बात है। कहाँ है वो? वो रही। नॉट बैड एट ऑल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आंखें सेकना बंद करो, ये बताओ माँ कैसी है? माँ को क्या हुआ है? वो एकदम ठीक है। तो फिर तबीयत ठीक नहीं है, क्यों कहा तुमने? मैंने कहा था, लेकिन जैसे ही मैं गांव गया ना, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल, शी इज वेरी फाइन। मेरे बारे में अपनी माँ को बताया ना? मैंने तुम्हारी फोटो उन्हें दिखाई और उन्होंने कहा लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी और इसकी जोड़ी बहुत जमेगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से शादी कर लेते हैं और माँ को भी यही लेकर आते हैं। क्यों नहीं लेकर आएंगे ना, लेकिन लेकिन क्या? अब वो क्या है कि बड़ा घर लेना पड़ेगा, उसका एडवांस देना पड़ेगा, भाड़ा और खर्चा बहुत बढ़ेगा ना। मैं हूँ ना, फिर चिंता क्यों कर रहे हो? पता है, तभी तो तुमसे प्यार किया। लेकिन बहुत पैसे लगेंगे, तकरीबन 2 लाख। सिर्फ 2 लाख ही है ना? 2 क्या 3 दे दूंगी। अपने घर की बात है ना? ये वही ना बात। नैना, जरा वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी जी को यहाँ भेजो। मैं क्या, आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। या गुड मॉर्निंग। बैठिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। देखिए गोपाल स्वामी जी, ये सब देखिए, आपका रिकॉर्ड यहाँ बहुत ही पुअर है। आप हमारी कंपनी के फील्ड ऑफिसर हैं, आप कंपनी की बुनियाद की तरह हैं। हमारे सेल्स को इम्प्रूव करना आपका काम है, दूसरे फील्ड ऑफिसर जितना काम कर रहे हैं उससे काम नहीं बन रहा है। कम से कम अब तो थोड़ा स्पीड पिकअप कीजिए। ओके, हेलो मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी, फिलहाल अपने काम पर ध्यान दीजिए और सेल्स को इम्प्रूव कीजिए। ओके, अभी तक खड़े क्यों हैं? जाइए ना। ठीक है। ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई है। हेमंत, यस, मंथली स्टेटमेंट लेकर आइए। अभी लाया मैडम, ये लीजिए मैडम। या These are the credits of... क्या है ये? ये वो... अरे इस महीने का अकाउंट कहाँ है, मुझे चेक करना है। वहीं पर है मैडम, वहाँ देखिए नीचे। ये क्या, आप वहाँ मुँह करके क्यों बात कर रहे हैं? मेरा चेहरा इतना बुरा है क्या? वो मैडम, वो क्या कर रहे हो? वो आपके कपड़े। हा? आपके वो, सॉरी। गुड, सभी फाइल्स अप टू डेट हैं। दरअसल मैं भी ना आज का काम आज ही खत्म कर देती हूँ, कल के लिए कुछ पेंडिंग रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। That's good, madam. Yeah, okay, take it. Hemant. जी मैडम। You are really gentleman. Thank you, madam. हेमंत, क्यों भाई फिर से सेवंती के बारे में सपने देख रहा है? मेरे भाई, इसी तरह सपने देखते रहेगा तो तेरी आंखों के सामने कोई और उठा के उसे ले जाएगा। बेटा बस आते ही उस पर चढ़ जाना चाहिए, किसी और बस का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए जल्दी से प्यार भरी बातें करो और करीब आ जाओ, नहीं तो रोता रहेगा तू। सेवंती जी, आप ऑफिस में सबसे हंस खेल कर बातें करती हैं, कैसे करती हैं आप? सी, हंसने से मन को खुशी मिलती है, रोने से मन को दुख पहुंचता है, और दोस्ती के खातिर ये मन हमेशा हारता है,
दूसरों को जीत की खुशी दिलाने के लिए मैं हमेशा हारना पसंद करती हूँ और इससे मुझे ढेर सारी खुशी मिलती है। अजीब बात है ये। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, आप जब से ऑफिस में आई है सब बदल गया है और सब आपसे इम्प्रेस है। और आप भी ना? आप रहती कहाँ है? जयनगर में। मैं विजयनगर में। लेकिन जयनगर में आप रहती कहाँ है? किस लिए? मेरे घर का नंबर 8/9 है, 4th Cross Lane और 3rd Down Road। मैच होता है कि नहीं इसलिए पूछा। देखिए, मैं आपको अपने घर का एड्रेस नहीं बता सकती। ऐसा क्यों? अगर मैं एड्रेस दे दूंगी तो आप मेरे घर आएंगे और ये सब हमारे पड़ोसी देख लेंगे और फिर बातें बनाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मिडिल क्लास फैमिली वाली हूँ। मैं चाहे कितना भी बोल रहा हूँ पर कभी अपने संस्कार की सीमा को लांघना पसंद नहीं करूँगी। मैं अपना एड्रेस सिर्फ उसी लड़के को दूंगी जिससे मेरी शादी होगी। नो 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 नो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मैं अगर जयनगर आया भी तो आपके घर नहीं आऊँगा। सारी बात हंसी में टाल देती है, बहुत शानी है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आपको तो कितनी चीजों का ज्ञान है। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड का कमाल है। बॉयफ्रेंड? हाँ। हाँ? इसका मतलब अब तक का सारा टाइम वेस्ट। किताबें ही मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। शुक्र है, लाइन क्लियर है। आपको भगवान और तकदीर पर भरोसा है क्या? भगवान पर भरोसा तो है, क्योंकि भगवान एक शक्ति है, बस हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भरोसा जीने की एक वजह होती है, मगर अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। और तकदीर पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तकदीर पर भरोसा करने वाले आलसी होते हैं। तकदीर की लाइफ कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियाँ कभी डगमगाती नहीं है। आप ऐसे क्या देख रही हैं? बाइक की पिछली सीट पर बैठकर स्पीड में जाना मुझे बहुत पसंद है। ओ, अच्छा। पहले बैठ जा, संभल कर। ठीक है, ए स्टैंड तो हटा। हाँ, स्टैंड। ओ स्टार्ट कर। ए क्या यार, तू अपडेट नहीं हुआ अभी तक। किक मारने का जमाना नहीं रहा। सेल्फ न्यूट्रल। हाँ। स्टार्ट। देखा कितनी जल्दी स्टार्ट होगी। अब मैं तेरे पीछे बैठता हूँ। अब आराम से चला राजा, आराम से राजा, धीरे 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 धीरे। बहुत सही। अरे बोला था आराम से चला। शुक्र है बाइक को कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, हे भगवान, शुक्र है कि बच गया। सबको एक साथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्णा, आपने इतनी लड़कियों को एक साथ कैसे मेंटेन किया मुझे भी बता दीजिए। अरे बाप रे, कौन है भाई, कौन है? अरे कौन है, कौन है, कौन है? अरे तो तुम कहाँ है चोर? कौन है चोर? किधर है चोर, बताओ मुझे। मैं एक चोर, तू मेरी रानी। मैं एक चोर, चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा ये बताओ, हमारी एंगेजमेंट की बात कहाँ तक पहुँची? वो नहीं पहुँचने वाली, हमें खुद वहाँ पहुँचना होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया हूँ, बहुत प्यार से लाया हूँ, ले लो। अरे वाह, मेरे लिए लेकर आए हो? एक तोले की है। एक तोले की अंगूठी? मेरे 25 रुपए की अंगूठी के बदले ये मुझे 1 तोले सोने की अंगूठी दे रही है। गॉड, तुम ग्रेट हो। हेलो, तुम ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो? वो क्या है ना कि हमारे दिल तो मिल चुके हैं ना, इसीलिए मैं गॉड से डायरेक्ट आशीर्वाद मांग रहा था। आओ, हम दोनों यहीं पर एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्या किस्मत पाई है मैंने। अब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूँ और तुम मुझे पहनाओ। थैंक यू। आओ गले लग जाओ, बहुत मजा आ रहा है। अब एक चुम्मा दे दो। कितने कैरेट की है रिंग? प्योर 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही नरम होता है और जल्दी से बैंड हो जाता है। इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों खर्च नहीं करना चाहिए? सर एक बात बताइए, ये आपकी आखिरी एंगेजमेंट है क्या? अब बार बार करने के लिए ये कोई 3 वक्त का खाना है क्या? अरे एंगेजमेंट है सर, प्यार में ऐसा ही होता है। ये प्यार ना पहले बहुत मीठा लगता है, बाद में जिंदगी झंड हो जाती है। मैंने भी प्यार किया था, आज इसलिए ऐसे हालत में हूं। कमीने, चल निकल ले यहाँ से। मुझे क्या तू अपने जैसा समझ रहा है? चल निकल यहाँ से। मुझे अच्छी तरह पता है आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नाम अब्दुल है मेरा। करेक्ट, नाउ यू कम टू द पॉइंट। सर
परसों रात में पार्क में उस मोटी लड़की के साथ आप लगे हुए थे ना, मुझे पता है। भिखारी कहीं का भाग। गोपाल, वो तुमसे ये सब क्या कह रहा था? वो क्या कहेगा, भिखारी है, मुझसे भीख मांग रहा था। अबे अबे, एक काम करते हैं, ये पार्क वगैरह में जो सूट नहीं करता है, सीधे तुम्हारे घर चलते हैं। सुरेश, क्या आप डेली क्लीन शेव करते हैं? यस मैडम। क्लीन शेव तो ठीक है, बट फ्रेंच दाढ़ी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी भी फ्रेंच दाढ़ी ही है, लेकिन गाल पर जो दाढ़ी रखते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गालों पर दाढ़ी होने से एलर्जी है। आहा, ये क्या हेमंत, तेरी दाढ़ी में जुए पड़ गई है क्या, जो सटा सट उड़ाने पे लगा हुआ है, या फिर सेवंती किस देने वाली है? आहा। आहा। क्या हुआ सर, दांत दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं। तो फिर आपने गाल पर हाथ क्यों रखा है, हटा लीजिए। एक खरोच के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर? ये लीजिए मैडम, बहुत बार कोशिश की फिर भी टैली नहीं हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मैडम। साला नौटंकी कर रहा है। रोइए मत, चुप हो जाइए। इंग्लिश में दो शब्द हैं, क्राई एंड ट्राई, दोनों में एक ही अक्षर का डिफरेंस है। क्राई मतलब रोना और ट्राई मतलब कोशिश करते रहना। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। आप जाकर ट्राई कीजिए, यकीनन हो ही जाएगा। ठीक है मैडम, एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। साले बुढ़ाओ, देख लूंगा तुझे। मैडम मैडम। हाँ? ये ठीक है ना? अब ये भी शुरू हो गया। ओके गुड। थैंक यू मैडम। थैंक यू। प्रकाश। यस मैडम। क्या आप जिम जाते हो? हाँ हाँ। कितने सालों से जा रहे हो? 4 सालों से मैडम। झूठा कहीं का, इसीलिए आप इतना स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। मर्दों को जिम जाना चाहिए, बॉडी कट बढ़ाना चाहिए, तभी दिखने में अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैडम। हाँ, जिम जाना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, अब मैं भी शुरू करूंगा। इतना लेट कैसे हो गए? कल मैं जिम गया था ना, तो बदन बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए आने में थोड़ा थोड़ा देर हो गया मुझे, अब ठीक हूँ लेकिन। अरे हेमंत, एक दिन में बॉडी नहीं बनती। अरे ज्यादा वर्कआउट मत करना, लिमिट में करना, वरना बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। ए कल हा? सिक्स पैक्स बनाने के चक्कर में लड़की गया था। हे नैना, हेमंत बहुत बदल गया है ना? हाँ सच में, क्यों हेमंत, इस बदलाव की वजह क्या है? लगता है इसे किसी से प्यार हो गया है। क्या बात है। क्या साहब, कहाँ खोए हैं आप? लगता है किसी मेनका ने इस विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी है। है ना हेमंत? ऐसा कुछ नहीं यार। हेमंत, सुंदर लड़की से शादी मत करना, वरना फंस जाओगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रही है मैडम। फ्यूचर पर डिस्कशन? हाँ मैडम। मैडम आपको किस टाइप का लड़का पसंद है मैडम? ये सब अभी किस लिए? प्लीज प्लीज मैडम बताइए ना, प्लीज प्लीज बताइए मैडम, प्लीज बताना ही होगा क्या? हाँ मैडम प्लीज। ओके ओके ओके, बताती हूँ। मैं जिससे शादी करूंगी उसकी हाइट 6 फीट होगी। मैं भी 6 फुट का हूँ। फ्रेंच दाढ़ी होनी चाहिए, पर गाल पर एक भी बाल नहीं होना चाहिए। है, आज ही क्लीन शेव किया है। पप्पी लेते वक्त चुभना नहीं चाहिए, इसलिए ना मैडम। मैडम मैडम, बॉडी कैसी होनी चाहिए मैडम? जिम बॉडी होनी चाहिए। आज से ही शुरू किया है। अच्छा काम, अच्छी तनख्वाह, अच्छे गुणों वाला होना चाहिए। हाँ गुण भी अच्छे हैं। और अच्छे से बाइक भी चलानी आनी चाहिए। यही तो मुश्किल है, टायर घूमते हुए देखता हूँ तो सर घूमने लगता है। ओह, आपको तो पूरा मॉडर्न मतोजी चाहिए मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।
माय डियर स्टाफ्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं सर। अभी जो मिल रही है वही ज्यादा है। तो फिर क्या है सर? हमारे एमडी साहब को हमारे ब्रांच से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हमारे ब्रांच के बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने एक और असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किया है। सर, दो असिस्टेंट मैनेजर होंगे क्या? दो हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से चलता बनेंगे क्या? दोनों असिस्टेंट मैनेजर मेरे अंडर काम करेंगे और अभी जो आने वाले हैं वो सेल्स और गोडाउन का ख्याल रखेंगे। तो आप तो फ्री रहेंगे ना सर? आप लोग फ्री रहने देंगे तब ना? बताइए ना वो कौन है सर? वो कौन है खुद ही देख लीजिए। हाय सेवंती। सेवंती, तुम इन्हें पहले से जानती हो? यस सर, ही इज माय ओल्ड एंड गुड फ्रेंड हेमंत। शी इज माय बेस्ट ऑनेस्ट एंड स्वीट फ्रेंड सर। ओह थैंक यू। अबे लाइट जला बे घनचक्कर। आप बोलना। अच्छा लॉयर, अरे यार ये दरवाजा खुला रखकर लाइट ऑफ करके ये हेमंत कहाँ चला गया? अरे वो सेवंती की याद में खोया होगा, छोड़ना। हेमंत, अरे ऐसे मुंह लटका क्यों बैठा तू? क्या हुआ? सेवंती कभी नहीं मिलेगी मुझे यार। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, बोला ना नहीं मिलेगी। ए हेमंत, ऐसे मजनू की तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा यार। उसे तू पसंद है, तेरा नाम पसंद है और उसे जो पसंद है वो सब तू कर भी रहा है, फिर अचानक से ये यूटर्न क्यों? नाम हेमंत है, 6 फुट हाइट है, फ्रेंच दाढ़ी है, जिम बॉडी है, बाइक भी चलाता है, बड़े पोस्ट पर है, अच्छी पेमेंट भी है, सेवंती का क्लोज फ्रेंड भी है, हमारे ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुआ है। तो होने देना, इससे क्या होगा? सेवंती और वो बहुत ही क्लोज है, खूब बातें करते हैं, खूब चिपकते रहते हैं, दिन भर हंसते रहते हैं। चुप कर पागल, पहले ही मुलाकात में कोई चिपकता है क्या? अरे पुरानी जान पहचान होगी इसलिए बात करेंगे, हंसेंगे और ज्यादा करीब है तो चिपकेंगे भी। प्यार के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। अबे गधे, तू जिसे प्यार करे वो किसी से बात न करे, ऐसा कोई रूल है क्या? तू नेगेटिव मत सोच, सेवंती से एक बार बात तो कर, अपना प्यार उसके आगे जाहिर कर। अब इसका कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। अरे पागल, कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाता है इंसान को। आगे बढ़ाए हुए कदम को पीछे नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। छी, हटो ना, आप बड़े ही फास्ट हो, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या है, हाथ में आए निवाले को मुँह में तुरंत डाल देना चाहिए, इसीलिए हमारे प्यार का जो टेम्पो है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आओ ना मेरे पास, आओ ना, आओ जाओ। हमारी शादी के बारे में बात करनी है बोल रहे थे, अब ये टेम्पो, लॉरी, ये सब क्या बोल रहे हो? वो क्या है जानू, कि मैंने हमारे शादी के बारे में अपनी माँ से बात कर ली है। उन्होंने चिढ़कर मना किया है क्या? हाँ, अरे उन्होंने मना नहीं किया है, जैसे ही मैंने शादी की बात की उन्होंने कहा छैया 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 एक साथ होगा। तो फिर जल्दी से शादी फिक्स कर लेते हैं ना? अबे एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चल दिए? डेट फिक्स करनी है ना, पंडित को लेकर आता हूँ। बड़े ही मजाकिया हो। तो और क्या करूँ, एक छोटा सा घर तो चाहिए ना, शादी वगैरह सब होने के बाद सुहागरात कहाँ मनाएंगे? ओ ये बात है, तो फिर छोटा घर क्या ले, बड़ा ही घर ले लेते हैं। मैं 10 लाख रुपए देती हूँ। अरे रे रे, अगर भगवान तुम्हारे जैसा ही दिमाग उस वीणा को दे देते तो कितना अच्छा होता। ये वीणा कौन है? वीणा को नहीं जानती? अरे वही वीणा जिसने कृष्ण के लिए गाना गाया है कि हे कृष्णा मैं तेरी जोगन हूँ। टाइम बर्बाद मत करो, चलो आ जाओ। इतना भी उतावला मत होइए, अगर आगे कुछ हो गया तो। क्यों क्यों क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि शादी के पहले ही माँ बन जाओगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। मुझे शर्म आती है। सर, हमारे बॉस कैसे हैं सर? बहुत अच्छे इंसान है, he is a gentleman. और सर वो बहुत हैंडसम भी है क्या? यार, really handsome है। अरे उनके हैंडसम होने ना होने से हमें क्या मिलेगा? सर, मैं तो 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ सर, लेकिन एक बार भी उनका चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं देखी। यहाँ आने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, 6 महीने से वो इंडिया नहीं आए हैं।
वो इतने बिजी हैं क्या सर? सुबह का नाश्ता वो सिंगापुर में करते हैं, दोपहर का खाना लंदन में, चाय फ्रांस में पीते हैं, डिनर ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और रात को स्विट्जरलैंड में सोते हैं। अरे वाह 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 वाह, नाश्ते चाय पानी के लिए देश देश घूमते हैं सर। आ गए हैं। आ गए। कार इतनी सॉलिड है तो बॉस कितने सॉलिड होंगे। This road is so dirty. Sorry sir, रोड का काम चल रहा है अभी। पर ये पहले देखना चाहिए था ना। Welcome to India sir. ये सब क्या बकवास है? अम्मा, चाची, ताई, दीदी, चाची, कुछ खाने के लिए दे दो ना। Hey, why are you laughing? ये बताओ कि तुम हंस क्यों रहे थे? कुछ भी नहीं सर। कोई काम धंधा नहीं है? इसी तरह हंस दिया सर। You don't know me. मैं बहुत strict हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस कर दूंगा। मैं क्यों हंसा ये बताने के बाद कि आप मुझे डिसमिस कर देंगे सर? No, never. तुम अगर सच कहोगे तो तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगा। बोलो सर। हूबहू आपके जैसे ही बॉलीवुड में एक बहुत फेमस अभिनेता है, लेकिन वो हमेशा भिखारी का ही कैरेक्टर करते हैं सर। आपको देखकर उन्हीं की याद आ गई मुझे और इसीलिए मुंह से हंसी निकल गई सर। मेरे जैसा दिखने वाला एक एक्टर फिल्मों में काम करता है? हाँ सर। तुम इस बारे में श्योर हो ना? हाँ सर। तो बोलो मेरे साथ, शेम शेम पप्पी शेम। शट अप मैनेजर। यस सर। इस दुनिया में मेरे जैसे दिखने वाले लोग चाहे कोई भी हो, उन्हें गरीब नहीं होना चाहिए, उन्हें और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन सभी को लेकर यहाँ पर आइए, मैं उनके नाम फैक्ट्री कर दूंगा। ये देखो यही है ना, याद है इस जगह में तुम कितनी डर गई थी? कुछ भी मत बोलो, मुझे मारती है तेरी तो। मारते क्यों मुझे? अच्छा छोड़ो, ये देखो ये रेड कलर की ड्रेस अच्छी है ना? ये रेड है, रेड है। आपने बुलाया था मैडम? बैठिए ना। नहीं ठीक है। अरे आप बैठ जाइए। हाँ। देखिए हेमंत जी, हमारे इस ब्रांच को 3 महीने में इम्प्रूव करना है, ये MD साहब ने कहा है। इसीलिए हम दोनों को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी गई है, और 25% की सेल ज्यादा हो इसलिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है सर। प्रॉफिट बढ़ने से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। हमारी कंपनी को कोई प्रॉफिट हो इसके लिए आप सजेशन दीजिए, कोई भी सजेशन चलेगा। आप लोग तो MBA FC पढ़े हुए हैं, बहुत गुणी लोग हैं। मैंने तो सिर्फ BCom किया है, मैं क्या आइडिया दे सकता हूँ? नो, ऐसी बात मत कीजिए। पढ़ाई अलग है, अनुभव अलग है। इस कंपनी में आप 4 साल से काम कर रहे हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा अनुभव होगा। बताइए ना, पहले हमें अपने फील्ड वर्क पे काम करना चाहिए। हेलो, 80 लोग काफी नहीं है क्या? वो लोग काम नहीं करते क्या? राय देने को बोला तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? ओके, यू कैरी ऑन। और कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका मार्केटिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। ए, बकवास बंद करो तुम। हेमंत प्लीज चुप रहो तुम। आप बताइए हेमंत। इस मार्केटिंग के काम के लिए फील्ड ऑफिसर, सुपरवाइजर, घर घर जाकर प्रचार करने वाले कार्यकर्ता भी हमारे पास मौजूद हैं। और तो और हमारे प्रोडक्ट के बारे में गली गली में मार्केटिंग भी होते रहते हैं। और वहाँ आते कौन है? सिर्फ एक वर्ग के लोग, कार्यकर्ताओं के चुने हुए लोग। हर प्रोडक्ट मीटिंग में वही लोग आते हैं और वही गिफ्ट्स पाते हैं। इस तरह का सिस्टम कभी वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि हमारे लोग हमारे ही गिफ्ट खा जाते हैं। हमारे पब्लिसिटी का असर लोगों के घरों तक नहीं, उनके दिल तक पहुंचना चाहिए। वाओ, सुपर्ब, मार्वेलस। थैंक यू। ठीक है, अब तुम जाओ। इसका लेक्चर सुनकर मेरे दिमाग फटना शुरू हो गया है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने की जरूरत है। नॉटी। मोटू समझ गया ना तुझे क्या करना है? यार मुझे आने का मन नहीं करता है, तू जबरदस्ती करता है और फिर बीच में छोड़ देता है। अबे मोटे, तुझे मैंने काम दिलाया उस बात का तो एहसान मान। इसीलिए तो तुझे झेलता हूँ। Thank you.
कहाँ जाना है? राजाजी नगर। वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए बैठे ना। थैंक यू। वो क्या है कि आगे रोड पर काफी गड्ढे हैं, तो जरा कस के। ओके। क्या है? तुझसे कहा बैठना। कौन मैं? हाँ बैठ बोला ना। हाँ मैं। अरे जल्दी बैठ। पकड़। अरे कमर पकड़। लड़की की कमर पकड़ने में बहुत मजा आ रहा है। मतलब अब तक तू किसी लड़की के साथ घुमा फिरा ही नहीं है। कोई मिली क्या नहीं। इंसान है। तू यहीं पर काम करता है क्या? हाँ यहीं पर। शाम को कितने बजे निकलते हो? 6 बजे। गुड, अब से मैं ही तुम्हें लेने और छोड़ने आऊंगी, ठीक है ना? ओके। ओके सेवंती, आज बाइक से चलते हैं। बाइक से क्या? ओ वाओ, चलो चलते हैं। मैं एड्रेस सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के को दूंगी जिससे मेरी शादी होगी। अपने मोटो जितने भी हिम्मत नहीं है तेरे में। सुन हेमंत, अब और रुकेगा तो प्रॉब्लम होगी तुझे। जितनी जल्दी हो सके सेवंती को प्रपोज कर ले। मुझे डर लगता है। एक्सक्यूज मी, मुझे डर लगता है तो फिर सेवंती को भूल जा। मैं सेवंती को कैसे भूल सकता हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। देख हेमंत, अगर तू जल्दी से सेवंती को लव लेटर लिखेगा तभी तेरा कुछ हो पाएगा, नहीं तो तेरी हार पक्की है, समझ ले। जल्दी से लव लेटर लिख डाल। क्या लिखूं? मेरी प्यारी सेवंती। अपडेट किया है, इसे चेक कर लो। ओके, मैं बाद में देख लूंगी। हेमंत, ये फाइल चेक कर लेना। ओके। सुनो। हाँ। ये फाइल सामने केबिन में दे दो। ओके सर। ए यादव, जरा इधर आ। आ गया मैडम। बोलिए मैडम। ये फाइल चेक करके दे देना। इन्हें ना ये टैली कैसे चेक करें? उस रिसिप्ट का टोटल करके वहाँ पर डाल दें, तब टैली हो जाएगा। ओके ओके मैडम, ये लीजिए। हाँ, ओके। गर्मा गर्म चाय। अबे हेमंत, लेटर नहीं गया तो क्या हुआ? देख अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट मार जरा। अरे कल ऑफिस पहुंचते ही फोन कर ले उसे और फिर आई लव यू बिंदास बोल डाल। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम जरा। हाँ ठीक है। हेमंत, तुम मोबाइल से कॉल बिल्कुल मत करना, तुम्हारा नंबर पता चल जाएगा। पब्लिक खुद से कॉल करना। ए हेमंत, फोन बूथ पे सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं। क्या बे? सुन,
तू उसको सीधा जाके प्रपोज कर दे, वो भी फिल्मी स्टाइल में। हाँ अबे ये मोटू भी ना, जब से वो आइटम मिली है डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है। मोटा कहीं का गुरुजी को ही ज्ञान दे रहा है। अरे माफ कर दो गुरुजी। जीता रहे बेटा। और उसने आवाज पहचान ली तो? तू चद्दर ओढ़ के बात कर। अबे जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है, ये ब्लैकमेल नहीं प्यार है। तू नहीं चाहता तेरी स्वीट सी आवाज उसको सुनाई दे? प्रपोज कौन कर रहा है ये बात तो उसे पता चलनी चाहिए ना। और वो कैसे? अरे इतना डर क्यों रहा है बे? धैर्यम सर्वत्र साधनम। अरे भाई क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है बोल रहे हैं और उसके बाद भी इधर उधर देख रहे हैं? सीसीटीवी कैमराज हैं क्या? देख रहा हूँ सर। सीसीटीवी कैमरा क्यों? थोड़ा प्रॉब्लम है सर। हाँ आप कोई टेररिस्ट है क्या? क्या मैं आपको टेररिस्ट लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप ना प्यार में गिरे हुए एक लाचार इंसान दिख रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे लवर्स यहाँ फोन करने के लिए आते हैं, रोने वाले, चिल्लाने वाले, गालियाँ देने वाले, मारपीट करने वाले। अरे मैंने बहुतों को देखा है सर। ये तो अच्छी बात है ना। अबे मोबाइल के आने के बाद दुकान बेचने की नौबत आ गई है सर, फोन का भाड़ा तक भरना मुश्किल हो गया। आप फोन कीजिए सर। हेलो, सेवंती बोल रही हूँ। आई लव यू सेवंती। हे कौन है तू? आई लव यू सेवंती। हे नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहा है? रख फोन। बोला ना रख। लड़की गुस्सा कर रही थी। अच्छी बात नहीं वो ना। हे मन, हमेशा ऐसा ही होता है। लड़कों को पहले गालियाँ मिलती है, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं क्या? हाँ सर। हाँ खैर छोड़िए। कितना हुआ? किस चीज का? फोन का सर। 4 रुपए। हाँ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। प्यार में यंगस्टर जो है वो अपनी जान भी देते हैं और किसी की जान भी बचाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या ये सब? कोई ऐसा करता है? मैंने तुमको क्या समझा था और तुम क्या निकले? शर्म आ रही है मुझे। छी, आई डोंट लाइक इट। जिंदगी में प्यार, दोस्ती और भरोसा ही सब कुछ होता है, हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भरोसा जितना सीखिए पहले। अरे बाप रे, लगता है इनको पता चल गया कि सेवंती को मैंने ही फोन किया था। अब मेरा क्या होगा? भगवान बचा ले। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए सर। वो सर, अरे भाई मुझे तुम पर भरोसा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हे भगवान, हेड ऑफिस से 4 बार फोन आ चुका है। 8 तारीख को जो सैलरी की फाइल भेजनी थी वो अब तक क्यों नहीं पहुंची? यहाँ का पूरा स्टाफ तुमसे कितना नाराज है पता है? ओ, तो ये बात बच गया। सर वो सैलरी वाली फाइल मैंने 30 तारीख को ही भेज दी थी सर। अच्छा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी हेमंत, मैंने देखा ही नहीं टेबल पर जो रखी हुई फाइल थी वो अंदर कैसे गई। अच्छाई मन की जागीर होती है, सच्चा प्यार दिल की जागीर होती है, और भरोसा जिंदगी की जागीर होती है। और मैं कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा सर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे सर। हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन। Looking very Thank pretty. You. ये नैना कहाँ है? मैनेजर के चैम्बर में मीटिंग के लिए गई है। उसे वहीं रहने दो, यहाँ हम शुरू करते हैं। क्या? अब 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 मीटिंग। तुम बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ पूछूं? पूछिए ना। देखो प्लीज हंसना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। पर क्यों? अगर तुम हंसती हो ना तो तुम्हारी हंसी की आवाज मेरे कानों से होते हुए दिल में उतरकर तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी आंखों से मेरी आंखों में समाकर मेरे दिल को हक्का नूडल्स बनाने लगता है। देखो देखो देखो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब देखो प्लीज, इसका कुछ तो इलाज तुम्हें करना ही पड़ेगा। इलाज करना है तो क्या हुआ, आपको बहुत से डॉक्टर्स मिल जाएंगे। इस बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। आप जोकर हैं क्या? कितनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं आप। ये क्या बोल रही है, इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या जानबूझकर अनजान बन रही है? कुछ तो करना ही होगा। मैं आपकी बात समझ नहीं रही हूँ, यही आप सोच रहे हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मिस्टर वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी, बेकार में आप मुझे पटाने की कोशिश मत कीजिए। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड,
और आपके लिए आपकी नैना है ना। मुझे गलत मत समझो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी नैना ही तो मेरी आंखों का गहना है। आपकी आंखें आ रही हैं। हाय नैना, कैसी हो तुम? नैना, क्या है कि एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, अगर तुम कहो तो हम लोग अभी चलते हैं उसे देखने। तो चलो ना, चलो 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 चलो, बाय। अरे जल्दी चलो ना। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शीला। अरे तुम हो? बैड मॉर्निंग। क्यों सर, शीला नहीं आई तो टेंशन में आ गए क्या? और नहीं तो क्या। मुझे शीला को देखे हुए 175,603 हो गए क्या सर? सेकंड्स हुए हैं। मतलब क्या आप हर पल शीला की याद में ही बैठे रहते हैं क्या? हाँ भाई हाँ, मेरी नस नस में शीला ही शीला है। सर, एक काम कीजिए सर, सेटलमेंट कर लीजिए। कैसे सेटल करूँ मेरे भाई, लाख बार पटाने की कोशिश की लेकिन पट नहीं रही। क्यों नहीं पट रही है? वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुमसे शादी करना चाहती है। मुझसे? हाँ नालायक, तुमसे। सर वो पागल है सर। हाँ? सर उसे कह दीजिए कि अगर वो मेरे पीछे पड़ेगी ना तो मैं प्रशांत को नौकरी से निकाल दूंगा, कह दीजिए उसे। ये सब कह चुका हूँ मैं, पता उसने क्या कहा? क्या कहा सर? अगर आपने प्रशांत को नौकरी से निकाला तो मैं भी काम छोड़कर चली जाऊंगी। अब तू भी बता मैं क्या करूं? अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? मेरा प्यार बहुत गहरा है प्रशांत, बहुत गहरा। मत रोइए सर, प्लीज मत रोइए सर। गधा ज्यादा ही नाटक कर रहा है सर। प्रशांत, अब तुम ही मेरा रास्ता क्लियर कर सकते हो। शीला के दिल से अपना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाल दो और मेरा कलर फोटो उसके दिल में चिपका दो मेरे भाई। मैंने बहुत ट्राई की मनाने की लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है गुरुजी। अरे आइडिया मैं तुम्हें देता हूं ना। हाँ? इधर आओ। सर हाँ? ये काम मुझसे हरगिज नहीं होगा सर। प्रशांत हाँ? प्रशांत हाँ? अपने इस गुरु के लिए क्या तुम ये छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते हो? ठीक है सर है? अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा सर? क्या चाहिए तुम्हें? तुम बताओ, मैं दूंगा। काम होने के बाद पलट नहीं जाओगे ना सर? जानी, ये ग्रेट क्रिमिनल लॉयर कभी भी अपना दिया हुआ वादा नहीं भूलता है, अपना कदम पीछे नहीं हटाता है। मांग। ठीक है, मैं मांगता हूँ सर। हाँ मांग ना। मांगू ना सर? मांग ना। ऑफिस मेरे नाम कर। मिल गया आइडिया। अब एक ही रास्ता बचता है, आत्महत्या करना। जरा अपना समझ गया। इस हेमंत के रास्ते का कांटा बना हुआ, उस हेमंत का काम तमाम करना होगा। अरे बेवकूफ लॉयर, तू क्या जेल में सड़ना चाहता है क्या? ये क्रिमिनल लॉयर इतनी आसानी से जेल नहीं जाएगा। मर्डर करने के बाद लॉयर ही क्यों ना हो, सबको ही जेल में जाना पड़ता है। मर्डर नहीं करेंगे, उसके हाथ पैर तोड़कर रख देंगे। फिर वो सेवंती को छोड़ देगा ना? वैसे आइडिया तो ठीक ही है पर थोड़ा सा रिस्क है, उसका हाथ पैर तोड़ेगा कौन? हेलो, तुम टेंशन मत लो, मेरा एक परमानेंट क्लाइंट फिक्स है, अगर उसे 20,000 रुपए दिए ना तो वो झट से काम कर देगा। 20,000 रुपए? हाँ यार, दूसरों से तो वो लाख लाख रुपए लेता है पर हमसे सिर्फ 20,000 रुपए लेकर हमारा काम बड़ी सफाई से कर देगा, क्योंकि उसको मुझसे और मुझे उससे बहुत लगाव है। ये सही है, उसका नाम क्या है? रैम्बो कालिया। रैम्बो कालिया। क्या भाई, क्या बात है? ए, तू उस लड़की से दूर ही रहना वरना क्या करेगा तू? हेमंत, Hey man!
लाख रुपए लेता है और मुझसे सिर्फ 20,000 रुपए लेगा। बहुत बड़ा गुंडा था ना तेरा ये कालिया, है ना? तू कचरा लॉयर है, ये तूने प्रूव कर दिया। इधर इधर आ। हेमंत, 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 सेवंती, हेमंत, सेवंती, प्रशांत, प्रशांत, छोड़ो छोड़ो। तू तो मर्द हो या नहीं? आय हाय, यही सच है शीला। मतलब? मतलब मैं मर्द नहीं हूँ, मुझ में मर्दानगी नहीं है, ना ही मैं मर्द हूँ और ना ही मैं औरत हूँ। त्रिशंकु जिंदगी है मेरी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करता हूँ। घर वालों के पसंद की लड़की के साथ शादी करूँगा, ऐसा मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीला, ये एक नामर्द है। ना ही मर्दों की बिरादरी का है और ना ही औरतों की बिरादरी का, बीच वाली बिरादरी का है। मैंने तुम्हें 500,000 बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझती नहीं थी, इस झिंगुर के पीछे पड़ी रही। दुल्हा बनने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो इसके पास है ही नहीं। सर, सॉरी सर, मैंने आपकी बात नहीं मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। योर ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बस एक साल के अंदर ही मैं इसे माँ बनाऊंगा, ठीक है ना? यस योर ऑनर, ये सच में माँ बनेगी। तू तो अब बिल्कुल चुप बैठ, तुझे क्या पता मर्दानगी होती क्या है? इतने सालों तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। आई एम सॉरी शीला। सर, नहीं नहीं, ओ जी, हम ना कल ही रजिस्टर मैरिज, नहीं नहीं, आज ही रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, वरना मेरा माइंड डाइवर्ट होते देर नहीं लगती। कम ऑन डियर प्रशांति, बाय। My name is Sheila, Sheila ki ta 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 da 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 da. Take the key. आज के बाद तू ही इस ऑफिस का मालिक है, यहाँ का सब कुछ तू है, बाहर का मौसम सुहाना और मैं शीला का दीवाना। ta 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 ta. सर, good luck sir. Thank you dear. अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? तुम पर दिल आ गया इसलिए। सच कह रही हो? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे ना होंडा एक्टिवा मतलब बहुत 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 पसंद है, पर जब मैं ड्राइव करती हूँ ना तो डगमगाने लगती हूँ, जब तुम बैठते हो तो कंफर्टेबली चला लेती हूँ। ओके। इसीलिए 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 क्या? एक्टिव होंडा के लिए मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या? ऐसा क्या सर? ठीक है सर, चलेगा सर, अभी आता हूँ सर, अभी आता हूँ। हाँ बिल्कुल, ओके। प्रिया शिवा बेटा, जी गुरुजी। हमारे न्यू आर्ट गैलरी के विश्वनाथ जी है ना? हाँ। उनकी 2 बजे की फ्लाइट से वो अमेरिका जा रहे हैं। हाँ। और वो हमें चेक देने वाले हैं। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ और चेक लेके आता हूँ। हाँ।
है? सर कौन बेवकूफ आपको मना कर रहा है सर? चाहिए सर। बेवकूफ बात वो नहीं है, थोड़ी देर में फेमस मॉडल माधुरी आ रही है, अगर 5 मिनट भी लेट हुआ ना तो वो चली जाएगी यहाँ से। माधुरी के साथ क्या? थू, अकल के दुश्मन, बात को समझ। जब वो यहाँ पर आएगी ना तो उसे पलंग पे सुलाकर उससे अच्छे से पेश आना, उसकी बात मानो, वरना वो चली जाएगी, पता है ना तुझे? नहीं सर, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। गुड, उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आज यहाँ का मैं ही राजा हूँ और मैं ही मंत्री। आप मॉडल माधुरी हैं क्या? यस। सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक मैं आपका आउटलाइन खत्म कर लेता हूँ। आप करेंगे? हाँ। ठीक है, आप यहाँ पर सो जाइए ना। सोना पड़ेगा क्या? मुझे ना शर्म आती है। शर्म आने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा मैडम। बात वो नहीं तो है। क्या है? मैं ना सोते वक्त दरवाजा बंद करके सोती हूँ। बस इतना ही, अभी करता हूँ। सुनिए मैडम, थोड़ा सा इस तरफ देखिए। हाँ अब ठीक है। स्माइल स्माइल स्माइल। अच्छा थोड़ा चेहरा ऊपर कीजिए। वैसे नहीं मैडम, थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर रखिए और पोजीशन ऐसे ही रखना। थोड़ा इस तरफ देखिए। बराबर, अब सही है। थोड़ा इधर देखो। ऐसे ही रखो। हाय सर, कहाँ है? आगे 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 आगे, बस गेट खोल रहा हूँ। आ गया, बस पहुँच गया पहुँच गया। हाय माधुरी। हाय। मुझे आकर आधा घंटा हो गया पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। रुको, मैं अभी पता लगाता हूँ। कौन है बे? बेवकूफ, दरवाजा खोलो खोलो। हमेशा इंटरेस्ट से काम करता हूँ तभी आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। सर आ गए सर। बेवकूफ, यहाँ मॉडल आधे घंटे से बाहर इंतजार कर रही है और उसका पैर दर्द हो रहा है, और तू अंदर क्या कर रहा था? सर ये भी मॉडल है क्या? तो फिर अंदर जो सुपर मॉडल है वो कौन है सर? अंदर कोई सुपर मॉडल है? कौन है भाई? चलो आकर देखते हैं। आइए। ये रही सर। तुम? मैं ही हूँ जी। शिवू? जी गुरुजी। बेटा ये कौन है बेटा? सर ये सुपर मॉडल माधुरी जी है सर। तू बेवकूफ, सुपर मॉडल माधुरी नहीं, मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है? इन्होंने तो अपना नाम माधुरी बताया सर। हाँ जी, मुझे भी मॉडल बनने की इच्छा है लेकिन ये मुझे बनने ही नहीं देते, इसलिए ये नहीं थे ना तो सोचा आज मैं ही मॉडल बन जाती हूँ बस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। म्वा, म्वा, म्वा। थैंक यू शिवू। अरे छोड़ो, अरे माफ कर दो, अरे क्या कर रही हो, अरे क्यों मार रही हो, अरे एक मिनट रुको। ये सब क्या है? आज तक मैंने एक लड़की से भी मार नहीं खाई और आज यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ मिलकर मुझे मार रही, मेरा गुनाह क्या? सारे कमरे में मुझसे प्यार करता हूँ बोलकर मेरे पैसे और जेवर सब हड़प कर धोखा दिया तूने। तो मेरे सपनों की रानी हो कहकर, शादी के सपने दिखाकर मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब तुम्हारी मर्जी से ही तो किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। हे वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी, जैसे तुम्हारा नाम टुकड़े टुकड़े में है वैसे ही तुमने इन लड़कियों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े में कर दी, क्या ये न्याय है? अरे सर मैंने कब इनसे प्यार किया, मैंने इन्हें पटाया और इन्होंने भी मुझे चांस दे दिया। ये अकेले का काम है क्या? ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब दो हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है कि नहीं? क्या जवाब है तुम्हारा, तुम तो कृष्ण के दूसरे रूप हो। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्यार के नाम पर सबको लूटना गलत नहीं है क्या? क्या गलत है भाई, मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की,
इन सारी लड़कियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों को प्यार के नाम पर लूट लेती हैं। मैंने थोड़ा चेंज किया, इन लड़कियों को लूटा तो क्या गलत किया भाई बताओ। एक लड़की के प्यार में पड़कर न जाने कितने लड़के अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। लड़की से धोखा मिलने पर प्यार करने वाला एक लड़का अपनी जान तक दे देता है। न जाने कितने लड़कों को ये लड़कियां लूटती हैं। तो क्या तुम्हें प्यार पर जरा भी विश्वास नहीं है? तुम्हें ये सब सिर्फ टाइम पास लगता है? हाँ मैडम, मेरे लिए ये सब टाइम पास ही है। मैंने भी एक लड़की से बहुत प्यार किया था, उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद ही मैंने लड़कियों को धोखा देना शुरू कर दिया। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक खेल है, लड़की एक चीज है, सिर्फ खेलने की चीज और कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ए रानी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अरे ये कहाँ गायब हो गया? नैना तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम ऐसे दरिंदगी से बच गई हो। चुप हो जाओ नैना। प्यार करने से पहले उस इंसान का चरित्र, उसकी आदतें जान लेनी चाहिए। हाँ। नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कर सपनों में खो गए क्या? ऐसा नहीं है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं मेगा मॉल जा रही हूँ। मेगा मॉल? वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कार्ड है? हाँ है ना। कितने हैं? 10-15 तो होंगे मेरे पास। ओह अच्छा, फिर तो आपके साथ कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। अरे तो फिर इंतजार किस बात का, आइए ना पीछे बैठिए। एक मिनट, आपके पास कौन से बैंक का कार्ड है? बैंक का? अरे मेरे पास किसी बैंक का कार्ड नहीं है। मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स है। तू कमीने, मैं तो तुझे लखपति समझ रही थी, पर तू तो भिखारी निकला। पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जेब में पैसे है या नहीं देख। तू मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हो ना आजकल की लड़कियां कितनी फास्ट है। अरे ओ मेरे हेमंत, तेरा रूट करेक्ट था। अरे ओ हेमंत, यहाँ क्यों बैठा है? तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं यार। क्या हुआ इसे? मैं काम छोड़ रहा हूँ यार। ए हेमंत, तू सच में काम छोड़ रहा है क्या? अरे इतनी मुश्किल से काम मिलने वाले इस कंपटीशन के जमाने में तू अच्छा खासा काम छोड़ने की बात कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ऑफिस जाता हूँ तो सेवंती दिखती है। सेवंती हर वक्त हेमंत के साथ बात करती रहती है। मेरा कलेजा बहुत जलता है देखकर। तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए हमने क्या क्या नहीं किया यार। सॉरी यार। क्या हुआ यार? मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई तुम लोगों को। ए हेमंत, देख तेरे लिए हम सब अपनी जान भी दे सकते हैं यार। हाँ कभी आजमा के देख ले। देख एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करना जरूरी है, तुझे पहले ये बात समझनी ही होगी। अरे अगर तू बताएगा ही नहीं तो लड़की को पता कैसे चलेगा तू प्यार करता है उससे। तेरी बात सही है, मैंने अपने दिल की बात बहुत
बार बताने की कोशिश की उसको, पर नहीं बता पाया। ए हेमंत, ट्राई एंड ट्राई अगेन कहावत तो सुनी है ना, तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है भाई? अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? उस लड़की को उठा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हेमंत से प्यार कर वरना तुझे मार डालेंगे। धू गधे है, अगर उसे उठा लिया तो प्यार करने से पहले मना कर देगी। हाँ, सच्चा प्यार जो है वो कभी खरीदा नहीं जा सकता, वो दो दिलों का रिश्ता होता है और दो दिलों के मिलन से ही पैदा होता है। जबरदस्ती से सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों को कोई टेंशन है क्या? आपको कोई टेंशन नहीं था, तू आ गया ना, होने लगा। आ गया सरकाने, 3.5 फुट क्या? नहीं अंकल, परेशान करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आया है, जाए यहाँ से। नहीं अंकल, मुझे सब पता है, आप सब हेमंत अंकल के बारे में काफी परेशान है ना अंकल। मुझे औरतों के प्यार के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखा। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन लोगों की बातें बहुत सुनी है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको ये वाली आंटी जरूर मिलेगी, ऐसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्यार में हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आपका सच्चा प्यार कभी नहीं हारेगा। डरिए मत अंकल, उठिए और आगे बढ़िए। यस, मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो हासिल करूंगा। आप जरूर जीतेंगे, और जब तक आप जीतेंगे नहीं मैं किसी से सवाल नहीं पूछूंगा, और जीतने के बाद मैं पहला सवाल सेवंती आंटी से ही करूंगा। बिल्कुल सही कहा तूने। देखो एक बात है, चाहे कुछ भी हो सेवंती से मेरे प्यार के बारे में कुछ नहीं कहोगे, प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस प्रॉमिस। पर ऐसा क्यों, पूछ सकते हैं क्या? अगर मैं अपनी बात सेवंती से नहीं कह पाया और उसकी शादी कहीं और हो गई तो मेरा प्यार चीप कहलाएगा ना। क्या हुआ हेमंत, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर रेस्ट करना चाहिए ना, यहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है ना। कल एमटी साहब भी आ रहे हैं, सारी फाइल सबमिट करनी है। ठीक है सर। कल की पार्टी का अरेंजमेंट हो गया ना? हाँ हाँ हो गया शायद। गाड़ी रोको। हेमंत कुमार। अरे कमन। देखो भाई, हमारे इस देश में मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि फॉरेन जाकर डॉलर कमाओ। मीट माय फ्रेंड मर्कंटोला फ्रॉम युगांडा। हेलो, थैंक यू, चलता हूँ, एयरपोर्ट पहुँचना है, फिर कभी मुलाकात होगी, है ना? बाय बाय, चलो भाई, सी यू। जिसके दिल में प्यार नहीं उसे कितनी लड़कियाँ मिल रही है। कल ही एमडी साहब से मिलकर ट्रांसफर ले लूंगा। मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करना। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए क्या काम है? सर मेरा नाम हेमंत है। हाँ मुझे पता है, मुझे पियून ने बताया था कि आपको मुझसे मिलना है। हाँ तो कहिए। सर मुझे मुंबई ब्रांच से पुणे ब्रांच पे ट्रांसफर कर दीजिए सर। किस लिए? कुछ फैमिली प्रॉब्लम है सर। कैसी फैमिली प्रॉब्लम बताओ? अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा मेरे पास क्यों आए? मैनेजर को अपनी बात बतानी चाहिए थी ना सर। वो क्या वो कर रहे हो? ठीक है, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके। एमडी साहब के पास जाकर तुमने ट्रांसफर क्यों मांगा? बताओ क्या बात है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया क्या? नहीं सर। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों चाहिए तुम्हें ट्रांसफर? सर वो मेरी माँ की तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती है, पुणे थोड़ा नजदीक पड़ेगा सोचकर ट्रांसफर मांगने गया था सर। मुंबई हो या पुणे हो, तुम्हें गांव पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, तो फिर पुणे नजदीक कैसे हो गया? बेकार के बहाने मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ट्रांसफर नहीं मिलेगा, यहीं पे रहकर काम करो। हेमंत, आज ऑफिस के बाद आप मुझसे मिलिए, मुझे आपसे बात करनी है। ये अच्छा हुआ,
आज मैं अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। अगर आज मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। यस, आज मैं बता कर रहूंगा। सेवंती जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हो सकता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। हर कदम पर आपका साथ दूंगा। आई लव यू। मैं धोखा देने वाला इंसान नहीं, मैं रिश्ता निभाना जानता हूँ। मैं आपसे शादी करूंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा, प्रॉमिस। सेवंती जल्दी चलो, घर में सब वेट कर रहे हैं। आज कुछ स्पेशल है, भूल गई क्या? ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलते हैं। ऑटो ऑटो ऑटो, उस बाइक का पीछा कीजिए। अरे भाई साहब, ये रॉकेट नहीं है, ऑटो है। प्लीज चलिए ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। आपकी बात सुनूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा प्यार मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार का मामला है क्या? तब तो मैं और मेरी ऑटो दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी। बस 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 बस, यही रोक दीजिए, बाइक यहीं पर है, बस। हाँ, ये लीजिए। सर चेंज नहीं है। रख लीजिए, रख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सेवंती जैसा ठीक समझे। तुम लोग यहाँ चार इडियट्स की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ऑफिस जाऊंगा ना प्रॉब्लम होगी। दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, रिजाइन कर दूंगा अपने पोस्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी यार। अरे उधर देख। कहाँ? वहां देख। हाँ? सेवंती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज का काम आज ही खत्म करती हूँ, ये आपको पता ही होगा ना। आज मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, कुछ जरूरी काम की वजह से मिस हो गया, इसीलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। सो प्लीज, आपसे बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? अरे मैडम, आप जैसी बड़ी शख्सियत को अपॉइंटमेंट देने की मेरी औकात नहीं है। कंपनी में आपकी क्या औकात है, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे आप क्या कह रहे थे रिजाइन के बारे में, नौकरी छोड़ देंगे? अब ये सब छोड़िए ना, अभी ये सब बहस किस लिए? एनीवेज, बहुत मुबारक हो आपको। किस लिए? आपकी शादी फिक्स हुई ना, उसके लिए। ये आपको किसने कहा? बिल्ली जब आंख बंद कर कर दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। ठीक वैसी ही बात हुई। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आया था, जब मैंने छुप कर तुम्हारी शादी की बात सुनी। छुपकर बातें सुनना गलत है। गलत है, गलत है, लेकिन जरूरी है। अरे ये सब छोड़िए, वही आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। 6 feet height है, फ्रेंच दाढ़ी है, जिम बॉडी है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा काम करता है, बाइक भी बिल्कुल मजे से चलाता है। भगवान तुम दोनों के प्यार को सलामत रखे। आप दोनों हजारों साल जिए, सदा खुश रहे। यू नो, वो हेमंत और सेवंती बेस्ट नाइस पेयर है, वही तुम्हारे सपनों का राजकुमार है। हाँ, जिस तरह हर लड़की के सपने होते हैं, मेरे भी अपनी शादी को लेकर कई सपने हैं। मैं एक शरीफ संस्कारी लड़की हूँ, मेरी जैसी लड़कियाँ घर वालों के खिलाफ होकर कभी भी शादी नहीं करेंगी, घर वालों को मना कर ही शादी करेंगी। मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ सकती। पता है, जब एक लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसके लिए कितने रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। मानो एक डॉक्टर का रिश्ता आता है और वो सोचती है कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और अचानक जब रिश्ता टूटता है तो उसके दिल पर भी बुरा असर पड़ता है ना। और तुम्हें एक बात और बताऊं,
जिन लड़कों का रिश्ता आता है उन लड़कों का काम, उनकी तनख्वाह, घर की मान मर्यादा के बारे में वो लड़की सपने देखना छोड़ती नहीं है। सपने देखने की वजह से वो अपवित्र नहीं हो जाती, ये जान लीजिए। और अंत में वो जिसका हाथ थामती है वो अपने सपनों की दुनिया से निकलकर अपनी असली जिंदगी में प्रवेश करती है। यही नारी धर्म है और ये धर्म मर्दों पर भी लागू होता है, ये भूलिएगा नहीं। ये सच्चाई कितने मर्दों को तो पता भी नहीं है। औरत धन दौलत रूप जात इन सबसे भी ज्यादा पसंद करती है औरत की इज्जत करने वाले मर्द को, प्यार और अपनापन देने वाले मर्द को, ये याद रखिएगा। चाहे मर्द हो या औरत, कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। पूरी तरह परफेक्ट लड़का या लड़की चाहिए हो तो कंप्यूटर में ही क्रिएट किया जा सकता है। एक लड़का लड़की अगर साथ घूमते हैं तो वो प्यार है क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती? तो जो शादी की बात हो रही थी वो झूठ थी क्या? अपनी आँखों से देखे बिना यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है और ये शायद आप जैसे लोगों के लिए कहा गया होगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक बताती हूँ, सुनिए। ये हमारा घर है, मध्यम वर्ग का एक संयुक्त परिवार। मेरे पिता जय सिंह, मेरी माँ कीर्ति, ये है मेरे चाचा जी नागेश और ये है मेरी दीदी श्रावंती। दीदी यानी मेरे चाचा जी की बेटी और कई सालों से ये एक लड़के के प्यार में खोई हुई है। मुझे भी लेकर जाना। हाँ जरूर लेके चलूंगा। हे भगवान। श्रावंती घर चलो। सर पढ़ी लिखे होकर आप इतना रूडली पेश आ रहे हैं, ये ठीक है क्या? मेरी बेटी के साथ मुझे कैसा पेश आना चाहिए मुझे मत सिखाओ। तुम होते कौन हो, उसके भाई बाप या चाचा? मैं इसका लवर हूँ सर। मगर पति तो नहीं हो ना? अगर आप चाहें तो हो जाऊंगा सर। जो हमारी हैसियत का नहीं है उससे हम दूर ही रहते हैं। आई वॉन्ट यू, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के साथ नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं हेमंत से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। मैं शादी सिर्फ हेमंत से करूंगी। क्या कहा? रुकिए, एक जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मानने दीजिए चाची, जितना मन करे मानने दीजिए। दीदी प्लीज शांत हो जाओ, सब्र करो। सब्र? अगर सब्र रखूंगी तो मेरा प्यार मिट्टी में मिल जाएगा। तू कुछ भी बोल, मैं तेरी बात में आने वाला नहीं हूँ। कल ही तेरी मंगनी करूंगा। मैं नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हेमंत, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। जरा लड़की को बुलवाइए ना। जी बेटा। हाँ? जाओ दीदी को लेकर आओ और उसे कहना कि कॉफी लेकर आए। ठीक है माँ। बहन जी जरा लड़की को बुलाइए, वो भी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दीदी? हाँ? दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी पॉइजन? चाचा जी! माँ, माँ दीदी ने पॉइजन पी लिया। अरे भगवान, अरे डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। दीदी सेवंती, दीदी सेवंती करो ना चाचा जी। सेवंती चाचा जी, बालिग हुए बच्चों को उनकी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है ना? हक? बिल्कुल है बेटा। जवानी में ही मेरी पत्नी चल बसी, तब मुझे एक और शादी करने का हक था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों पता है? श्रीवंती के अच्छे भविष्य के लिए। सच में आपने त्याग किया है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा के लिए श्रावंती के जीवन की बलि देना ये न्याय नहीं है ना? ये प्रतिष्ठा है बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए पहचान वाले से शादी करवाना ज्यादा बेहतर है। अब तुम ही बताओ। पर चाचा जी, किसी और के साथ शादी करवाने से क्या हो सकता है, ये आपको पता चल ही गया ना? पता चल गया बेटा, बाप के 50 साल पुराने प्यार से बढ़कर उस लड़के का 2 साल का प्यार बड़ा है। हम जिंदगी भर साथ जीने के लिए किसी को चुनते हैं, प्यार में एक अलग ही ताकत है। बड़े होने के नाते आपको तो ये समझना चाहिए। ठीक है बेटा, बच्चों से मुझे ज्ञान मिल रहा है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। वो मेरी बेटी है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उसकी मौत नहीं। अगर उस लड़के के साथ वो खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उस लड़के से बात करके तुम्हें हाँ? उसकी शादी करवाओ, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। ओके सेवंती, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मान जाता हूँ। थैंक यू सो मच हेमंत। हमारी सेवंती ने श्रीवंत और हेमंत को मिला ही दिया, क्यों क्या कहती हो तुम? हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, उसने मेरे मन को भी बदल दिया। हाँ भैया, मुझे तुम्हें बहन कहने में गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सेवंती। आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तो फिर गालियाँ दूँ क्या? हेमंत, तो शादी कब और कहाँ रखे हेमंत? जहाँ सेवंती को ठीक लगे। हेमंत, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। अब लड़का लड़की की मर्जी। लड़का लड़की दोनों ही राजी है, तो एक अच्छा सा दिन देकर इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है ना बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। अब समझ में आया, उस हेमंत से मेरी शादी नहीं हो रही है, हेमंत की शादी मेरी बहन श्रावंती से हो रही है। सब क्लियर हुआ ना? हो गया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप रिजाइन क्यों देना चाहते हैं और इतनी पी क्यों है? क्योंकि बेटा, यही सही मौका है, कुछ भी मत छुपा, सब बोल डाल, बोल डाल, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहेगा। वो क्या है, वो क्या है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, सच में नहीं जी पाऊंगा। आई लव यू। इतने दिनों से क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? एक तरफा प्यार सही नहीं होता, खतरनाक होता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब क्लियर करना चाहिए? इससे गलतफहमी बढ़ती है। और प्यार का इजहार तो लड़के करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? सब जानते हुए भी चुप खड़े हो। अब तुम्हें सुनाने से क्या फायदा? सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं मुझे तुमसे क्यों प्यार हो गया। क्यों हुआ मुझसे प्यार, बताओगी? तुम में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन औरतों की इज्जत करने का एक अच्छा गुण है तुम में। यही एक लड़की चाहती है, इसीलिए मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। पूरे स्टाफ की तरफ से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज गाइस। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर भंडारी। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। आपके यहाँ हेमंत नाम का कोई लड़का है ना, वो जो अकाउंट का काम देखता है? आर हेमंत सर, सर वो यहीं पर है। हाँ बोलिए सर। वो मेरे पास आकर ट्रांसफर मांग रहा था। हाँ, मैं दिल्ली में एक नया ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ, बताइए हम उसे वहाँ ट्रांसफर करें तो कैसा रहेगा? नहीं सर। Ha 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 ha